नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शहरी। गाजियाबाद में आईपीएस एम मुनिराज को अस्थायी तौर पर गाजियाबाद जिले के एसएसपी के तौर पर तैनाती की गई। इससे पहले यहां नियुक्त किए गए डीआईजी एलआर कुमार के छुट्टी होने के चलते उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। जिले में आमद करने के बाद आईजी जॉन प्रवीण कुमार ने एसएसपी गाजियाबाद बनाए गए आईपीएस मुनिराज और पुलिस दफ्तर और थानों के दफ्तर से जुड़े पुलिसकर्मियों के साथ एक मीटिंग ली है। गाजियाबाद के बढ़ रहे क्राइम के बाद नियुक्त किए गए पुलिस कप्तान मुनिराज गाजियाबाद जिले में एसएसपी और एसपी सिटी भी रह चुके हैं। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता होगी कि पुलिस सड़कों पर नजर आए और बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएंगे। क्राइम रोकने के तरीकों पर उन्होंने कहा कि अपराध करने से रोकना होगा, अपराध करने वाले पूर्व में अपराधियों पर भी पुलिस निगाह बढ़ाएगी। आईपीएस अधिकारी मुनिराज पहले भी गाजियाबाद में बतौर एसएसपी और एसपी सिटी के पद पर तैनात रह चुके हैं। ऐसे में पुराना अनुभव भी गाजियाबाद में क्राइम कंट्रोल में जरूर मदद करेगा। सर, गाजियाबाद में बतौर एसएसपी तैनाती मिली है, एक बड़ी जिम्मेदारी क्राइम रोकने की दी गई है प्रशासन द्वारा, सर किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? अभी वर्तमान में हालत देखे हमको शासन ने भेजा है, उसके अनुसार हम लोग के पास जो हमारा पुराना एक्सपीरियंस है उसके अनुसार हम काम करेंगे। हमारा सीनियर ऑफिसर से आईजी और एडीजी महोदय के निर्देश में हम काम करेंगे और जो भी क्राइम है उसको रोकने के लिए हम योजना बनाएंगे। हम पूरा टीम के साथ बैठ के जो वर्तमान में सीधी क्या है उसका एक बार स्टडी करेंगे, उसके साथ साथ जो अभी वाल में जो भी क्राइम हुआ उसको वर्कआउट करने के लिए योजना बनाएंगे और साथ साथ हम लोग पुलिस की विजिबिलिटी खासतौर से जो रोड पर सड़कों पर दिखाने के लिए हम प्रयास करेंगे। लगातार चेकिंग चलती रहेगी, हमारा हर अधिकारी रोड पर रहेंगे और फुट पेट्रोलिंग करेंगे हम लोग, और साथ साथ जो क्रिमिनल्स है उनके लिए अलग टीम बनेगी, उनके गतिविधि का निगरानी रखने के लिए और उसकी भी एक टीम चलेगी, और साथ साथ जो पुराना क्रिमिनल्स है जो बाहर निकला है उनको दोबारा जेल भेजने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। कितने लोगों के खिलाफ NBWCU है और अभी तक कितने लोग नहीं पकड़ा है उनकी टीम गठित करके जल्दी से जल्दी उन लोगों का जनपद का जो भी कितना भी अपराधी है उनका सबका जेल भेजने के लिए कोशिश करेंगे लीगली उनका। और साथ साथ अभी मीटिंग किया आईजी साहब ने कोर्ट मोरर और परोकार का, उनसे भी उनका टास्क दिया है कितना भी ऐसे क्रिमिनल्स है जो प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ क्रिमिनल्स है, लुटेरा डकैत, इन लोगों का सबका सूची बनेंगे, उनके कितना से जल्दी उनका जमानत निरस्त करेंगे और उनका ट्रायल करा के उनका सजा दिलवाएंगे और उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट कार्रवाई करेंगे, उनका गुंडा कोशिश करके जिला बदर करेंगे, इसकी भी एक योजना बनेगी। जनपद का हर थाना पर टॉप 10 टॉप 20 अपराधी सूची बनेगी, उस अपराधी के पीछे पुलिस पड़ेगी और उनका सख्ती से उनका कमर तोड़ने का काम करेंगे। सर, गाजियाबाद हाल के दिनों में जो लूट है और या स्नैचिंग टेस्ट हो घटना ज्यादा हो रही है, तो सर वो इसका हमने पिछले 5 साल का जो क्राइम पैटर्न है हॉटस्पॉट है जो किस इलाके में इस तरह का क्राइम ज्यादा हो रहा है उस इलाका में हम लोग का जोनल सिस्टम बनाएंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं सलीम बेंगल स्टोर। हमारे यहाँ हर प्रकार की चूड़ियाँ, कंगन, दुल्हन चूड़ा थोक और रिटेल में उपलब्ध है। हमारा पता है काली नदी रोड, फूलवाली गली, फैसलाबाद, बुलंदशहर।